तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा का VXI CNG। VXI CNG नाम सुन के या देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई VXI में अलॉय व्हील कहाँ आता है, पर भाई इस गाड़ी में तकरीबन 70,000 रुपये की एसेसरीज लगाई गई है। उसका क्या रीज़न है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई इस गाड़ी में आपको तीन वेरियंट में CNG जो है वो देखने को मिल जाती है, LXI, VXI और ZXI। जो इस गाड़ी में ZXI वेरियंट है उसमें फ़ीचर जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं, उस वजह से लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देखेंगे तो एसेसरीज में कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं, साइड मोल्डिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, उसके बाद विंडो गार्निश हो गई, रियर में भी कई सारे एसेसरीज के जो पार्ट हैं वो लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से भाई टॉप मॉडल बनाते हुए सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हुआ है। सबसे पहले अगर जो आप कीमत की बात करते हैं तो 10,64,000 एक्स शोरूम कीमत में पड़ जाती है। ऑन रोड मान के चलिए तकरीबन आपको ये 12,70,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है हमारे गोरखपुर में। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इस VXI वेरिएंट में क्या कुछ फीचर जो है वो ऑफर किया गया है, साथ ही साथ आपको एसेसरीज लेना चाहिए कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाड़ी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ की जो है वो ऑफर कर दी गई है। लॉक लॉक करने के साथ साथ सेंटर लॉकिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। पीछे जो है वो सुजुकी का लोगो, तो ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है। तो अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई फ्रंट से गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार लगती है। और भाई इस गाड़ी का डिमांड इस वजह से है भाई क्योंकि इस गाड़ी में CNG है, CNG के साथ साथ एक कम्पैक्ट SUV में ना ये गाड़ी प्रॉपर बैठती है। अगर जो आप इस गाड़ी की कंपटीटर की बात करते हैं तो किया सोनेट आ जाती है, हुंडई वेन्यू आ जाती है, तो उन सभी गाड़ियों में आपको CNG का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। तो आपको एक मजबूरी के साथ साथ ये कहिए कि एक फ़ायदा भी आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। तो फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी है। और फ्रंट में भी देखेंगे तो यहाँ पे एसेसरीज का जो पार्ट है वो लगाया गया है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। और इसके फ्रंट में देखेंगे तो क्रोम के कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं गाड़ी के लुक को इम्प्रूव करने के लिए। चार आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए जो ट्रैफिक वगैरह में आप फंसे हुए हैं, बाय द वे आपका अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारी गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, तो उस चीज़ को देखते हुए भाई चार रिवर्स पार्किंग सेंसर लगाए गए हैं इसके फ्रंट में। 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो गाड़ी आपको टू टू करके बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। सेफ्टी वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। बॉडी के हिसाब से भाई काफ़ी बेहतरीन सी हेडलैम्प्स यूनिट मिल जाती है, प्रोजेक्टर मिलेगा, लो बीम और हाई बीम आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो VXI वेरिएंट है, फॉग लैंप आपको इसमें नहीं मिलता है, पर यह है कि एसेसरीज में आप फॉग लैंप ले सकते हैं। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसे नजर आती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आप देखेंगे तो साइड से भी गाड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी है। और जिस हिसाब से भाई देखा जाना तो एक सब कम्पैक्ट SUV वाला जो कैरेक्टर है ये गाड़ी पूरा प्ले कर देती है। आपको डायमंड कट डुअल टोन आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है, ये एसेसरीज का पार्ट है। क्या अगर जो आप इसके टायर साइज की बात करेंगे तो 215/60/R16 की आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाती है। और गाड़ी के चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो ऑफर किया गया है। गाड़ी की जो साइड लुक है वो काफ़ी बेहतरीन से हो जाती है, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। बॉडी कलर आपको ओआरएम जो है वो देखने को मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ। बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, ये देखेंगे तो साइड मोल्डिंग जो है वो एसेसरीज का ही पार्ट है। विंडो गार्निश जो है वो भी एसेसरीज का पार्ट है। रेन वाइजर जो है वो भी एसेसरीज का ही पार्ट है। धीरे धीरे रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार लगती है। रियर में देखेंगे तो VXI वेरिएंट में आपको वाइपर छोड़ के और सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। वाइपर नहीं मिलेगा आपको, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर, सरफेस एंटीना, बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, ब्रेजा लिखा गया है 3D में। बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन से टेल लिफ्ट यूनिट जो है वो यूज़ की गई है, ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, सेवस लैम्प इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो क्रोम गार्निश की एक पट्टी यूज़ की गई है, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर जो है वो ऑफर किया गया है। पेट्रोल आप यहाँ से फिल करवा सकते हैं, CNG फिल करवाना हो तो आप यहाँ से CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए ये कैप अगर जो खुला रहेगा तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा देती है। और बात करते हैं कि CNG सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस जो है वो कितना आपको मिल जाता है, तो आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। पार्सल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस CNG सिलेंडर लगने के बाद काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला है जिसमें आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो डलवा सकते हैं। स्पेस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और कई सारे सिक्योरिटी वाले सिस्टम जो हैं वो ऑफर किए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है वो ऑफर कर दिया गया है। जरा से भी CNG लीक होगी तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। ओवरऑल रियर प्रोफाइल ऐसी है।
इंटीरियर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहीं से आप गाड़ी को जो है वो लॉक अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ जब आप नज़र डालते हैं तो चारों पावर विंडो के साथ साथ चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक के साथ साथ ORVM के सारे कंट्रोल जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक अडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन कर सकते हैं। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। अब एंटी पिंच फीचर क्या है, जैसे मान लीजिए ये डाउन अप कर दिए हैं वन टच करके, और जैसे मान लीजिए वन टच अप करते हैं और बाय द वे आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये हाथ जो है वो दबने नहीं देता है। इसे एंटी पिंच जो सिस्टम है वो कहते हैं। बोटल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर जो है वो भी ऑफर किया गया है। सीट की बात करेंगे तो सीट भी देखेंगे तो एसेसरीज में ही लगाया गया है। उसके बाद हाइट एडजस्टमेंट सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आप फ्यूल टैंक के साथ साथ बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और पेट्रोल से CNG में या CNG से पेट्रोल में स्विच करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। हेडरेंस का लेबलर जो है वो ऑफर किया गया है। गाड़ी में बैठते हैं, क्या कुछ फीचर जो है वो ऑफर किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंटीरियर में सबसे पहले अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट बे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। दो एयरबैग के साथ ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स जो है वो ऑफर, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ फोन उठाने के काटने के वॉइस कमांड जैसे तमाम फीचर्स इसके स्टीयरिंग पे ही ऑफर किए गए हैं। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए CNG का लेवल जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पेट्रोल का लेवल जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर जो है वो ऑफर की गई है। और गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB माइलेज वगैरह इस बटन को प्रेस करके सारी चीज़ों के बारे में आप चेक कर सकते हैं। एवरेज वगैरह गाड़ी कितनी दे रही है, रेंज कितनी बची हुई है। उसके बाद डैशबोर्ड वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जो है वो ऑफर किया गया है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डे नाइट IRVM जो है वो ऑफर किए गए हैं। और धीरे धीरे जब आप इसके सेंटर पे नज़र डालते हैं तो 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कई सारे कनेक्टिविटी के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, जैसा कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, USB लगा के आप वीडियो वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं, 3D में आप मैप वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। कई सारे बटन जो हैं वो दिए गए हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और रिवर्स कैमरा इसमें नहीं लगाया गया है तो रिवर्स कैमरा भी आप एसेसरीज में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिश की जो पट्टी है वो यूज की गई है। सेंटर में आपको 2.8 इंच मिल जाएगा। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह जो है वो आपको काफ़ी स्पेसियस या काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हिसाब से या सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा ग्लव बॉक्स जो है वो ऑफर किया गया है। इसके बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक जो AC है वो देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर सेट करेंगे उस हिसाब से गाड़ी ठंड या गर्म हवा देती है। उसके बाद थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट के साथ साथ स्टोरेज दिया गया है। फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स, और CNG के किसी भी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ 2 कप होल्डर जो है वो ऑफर किया गया है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का रियर सीट कंफर्ट, लेगरूम, हेडरूम कैसा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप गाड़ी के रियर डोर को देखते हैं तो वही सारे थीम जो हैं इसके रियर में भी ऑफर की गई हैं। मिरर अप डाउन आप यहां से कर सकते हैं। बोटल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर जो है वो भी ऑफर की गई है। सीट की बात करेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। गाड़ी में बैठते हैं तो कम्फर्ट वगैरह कैसा है, तो थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। सेंटर में आपको 2.8 AC vents जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। केबिन में स्पेस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको रीडिंग लाइट ऑफर की गई है। दोनों साइड आपको ग्रबेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। और रियर से गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आती है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। ये रहा मारुति सुजुकी ब्रेजा में लगा हुआ 1.5 लीटर का BXS फेस टू इंजन। तो CNG में पावर की बात करेंगे तो 86 BHP की पावर, 147 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और इतने बड़े इंजन के साथ साथ, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ साथ जो माइलेज है वो आपको 25 KMPL की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। तो आप 1 किलो CNG में तकरीबन इस गाड़ी को 25 किलोमीटर जो है वो ले जा सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।